नमस्कार, मैं रोशन हूँ और आज आपके बीच उपस्थित हूँ। जैसा कि आप देख रहे होंगे और आज दोपहर से आप खबरें सुन रहे हो कि नक्सलियों ने किस तरह से कोहराम मचाया है और हमारे 22 वीर जवानों को शहीद कर दिया है। 32 जवान घायल हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि जल्द स्वास्थ्य लाभ लें। तो आज इस पे ही ज़्यादा फोकस रहेगा। और दूसरी आज बड़ी खबर है कि कोरोना का जो केस बढ़ रहे हैं वो बहुत चिंताजनक है, तो इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। शुरुआत नक्सलियों के हमले से करते हैं। आज सुकमा और बाजीपुर का जो इलाका है, ये बस्तर का दक्षिणी क्षेत्र है छत्तीसगढ़ का, इसमें आज दोपहर करीबन 400 नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को, जो सीआरपीएफ के जवान थे कोबरा यूनिट के, उनकी घेराबंदी की। उन्होंने उनपे घात लगा के हमला किया। और सुबह जो खबर आ रही थी वो तो बहुत ही दर्दनाक थी। बाद में चीज़ें क्लियर हुई और पता लगा कि ये जो आज लोग हैं उनमें 32 लोगों की 22 लोगों की मौत हुई है, 32 लोग घायल हैं और कुछ उसमें मिसिंग भी है। अभी जो ताज़ी जानकारी है, एक जवान हमारा मिसिंग है। ये असल में जो सुकमा बाजीपुर का इलाका है, ये जंगली इलाका है, आदिवासी बाहुल क्षेत्र है। और जैसे मैंने कहा कि ये बस्तर का दक्षिणी क्षेत्र है और ये जो गांव है जहां आज अटैक हुआ है वो बॉर्डर पर है। सुकमा और बाजीपुर का जो बॉर्डर है वहां पे है ये। तो उसमें पिछले शुक्रवार से सीआरपीएफ का जो कोबरा यूनिट है, कमांडो बटालियन फॉर द रेजोल्यूट एक्शन, इसके 2000 जवान सारे जो छत्तीसगढ़ का इलाका है उसमें घूम रहे थे और नक्सलियों को की धरपकड़ कर रहे थे। तो जब नक्सलियों को पता लगा कि उनकी खोजबीन हो रही है, तो 400 नक्सलियों ने घात लगाकर इन पर हमला किया और ये जिसमें आज 22 लोग मारे गए हैं। ये आपको पता होगा कि ये माओवादियों का एक बटालियन है, पीएलजीए, पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी, जिसको हम ये गुरिल्ला आर्मी का आपको पता ही है कि हमारी मिलिट्री भी इसका इस्तेमाल करती है। जो ग्रुप बनाए जाते हैं, छुपके वार करते हैं जंगलों में, ये छुपे होते हैं। और जो खबर आ रही है उसके बाद से जो सर्च अभियान चला है उसमें बहुत सारे माओवादियों को, जो ये नक्सली हैं वो भी मारे गए हैं। उनका नंबर कितना है ये भी पता नहीं चला है, पर मोटे तौर पे जो लोग कह रहे हैं कि 20-22 लोग करीबन नक्सली भी मारे गए। ये अभी जो खबरें आती हैं और सरकार इस पर डिस्कशन करती है, पॉलिटिकल पार्टियां डिस्कशन करती हैं कि किसकी सरकार में ज़्यादा घटनाएं घटती थी, किसके राज में कम घटती थी। हालांकि ये देश का इशू है, ये समस्या देश के किसी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियां फिर भी इस पे जोर आजमाइश करती हैं। तो अभी पार्लियामेंट में जो लोग राज्यसभा में गृह मंत्री ने एक जवाब दिया था, उनसे पूछा गया था कि नक्सली जो घटनाएं हैं उनमें कमी हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो उन्होंने एक आंकड़ा दिया, ये आपके सामने है। 2015 में 1,089 घटनाएं घटी थी, फिर 2016 में 1,048 हुई, फिर 17 में 908 हुई, फिर 2018 में 833 हुई, 19 में 617 हुई और 2020 में ये जो घटना 123 हुई थी। मतलब कि काफ़ी हद तक इस पर कंट्रोल हो गया था, लेकिन आज की जो घटना है उसने फिर चिंता में डाल दिया है। तो ये इस पर थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा कि असल में ये नक्सलवाद है क्या, क्योंकि बहुत सारे लोग जो नए बच्चे हैं या जिनका इंटरेस्ट नहीं है उन्हें पता नहीं चल पाता कि ये नक्सलवाद है। इसका मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ बताता हूँ। ये जो नक्सल है, ये नक्सलवाद है दरअसल, ये वामपंथ का एक, वामपंथ की एक विचारधारा है, कम्युनिज्म की एक विचारधारा है, जो कार्ल मार्क्स ने शुरू किया था। 1848 से शुरू हुआ था वो, फिर जब रूस पहुंचा तो व्लादिमिर लेनिन की एक विचारधारा थी। मार्क्सवाद की जो विचारधारा थी वो समाजवाद पे थी कि समाज में शोषण न हो, बराबरी का हक हो, समाजवाद आए। लेनिन ने कहा कि समाजवाद तब आएगा जब हम सत्ता हासिल करेंगे। तो उन्होंने सत्ता हासिल की और रूस में
जब यूएसएसआर का उन्होंने गठन किया और 1990 तक वहां पे कम्युनिस्ट पार्टी का शासन चला। फिर वो आंदोलन चीन पहुंचा और चीन में जिसका नेतृत्व माओ डेजांग ने किया था, तो माओ ने जो लेनिन की विचारधारा थी उससे आगे चले गए। उन्होंने कहा कि जब हम सत्ता छीनेंगे तो उसमें लोगों को मारना होगा, तो वो विचारधारा जो माओ की विचारधारा थी, चीन की विचारधारा थी, उसमें चीन में अगर आपने इतिहास पढ़ा होगा तो बहुत ज्यादा मारकाट मची थी। ऐसा कहते हैं कि चीन के गृह युद्ध में 10 लाख लोग मारे गए थे और उसमें जो वहाँ के कम्युनिस्ट थे वो शामिल थे, वहाँ पे माओ डजंग शामिल था। तो इसकी विचारधारा हिंदुस्तान में आई। हिंदुस्तान में कैसे आई? जब हिंदुस्तान में कम्युनिस्ट पार्टी आई तो ये रूस की एक चैप्टर था, मैंने रूस की एक विंग थी हिंदुस्तान में, जो 1920 में शुरू हुई थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। 1924 में जाके प्रॉपर एक कम्युनिस्ट पार्टी बन गई हिंदुस्तान की। पहले वाली जो 2020 में 1920 में बनी थी वो रूस की एक चैप्टर था, और 1924 में जाके इन्होंने फुल फ्लेज पार्टी बना दी। लेकिन इसमें गर्म पंथ और नरम पंथ दो तरह के लोग शामिल हुए। और जब 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ था तो इसमें ये जो गर्म पंथ और नरम पंथ थे इन दोनों में झगड़ा हुआ, और उसमें जो गर्म पंथी लोग थे उन्होंने चीन का साथ दिया था। 1962 के युद्ध में उन लोगों ने चीन का साथ दिया था, भारत का साथ नहीं दिया था। तो उसी बेस पे ही फिर 1963 में कम्युनिस्ट पार्टी में डिवीजन हुआ और सीपीआई से सीपीआईएम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट अलग हो गई, जिसमें ज्योति बसु टाइप लोग थे उन्होंने अपने एक पार्टी बनाई। और चूंकि वो उग्र थे तो उनकी पार्टी का विस्तार ज्यादा तेजी से हुआ, ज्यादा बड़ा हुआ, तो 1963 में सीपीआईएम बनी। इसमें से ही एक और विंग था जो इससे भी उग्र था, उन्होंने 1967 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट सीपीआईएमएल बनाई, और उसकी जो शुरुआत की थी वो चारों मजुमदार कानू सान्याल जंगल संथाल इन्होंने 1967 में की। तो दरअसल उसमें बंगाल में एक किसानों का आंदोलन चल रहा था, वो उसकी शुरुआत भी इन्हीं चारों मजुमदार और कानू सान्याल ने की थी। तो एक आंदोलन अच्छे काम के लिए उन्होंने आंदोलन किया था, किसानों की जमीन का अधिग्रहण न हो, जो अमीर लोग हैं वो गरीबों की, जो आदिवासियों की जमीन को ना हड़पें, तो वहां पे एक किसान आंदोलन चला। उस किसान का इन्होंने नाम रखा था किसान महासभा। तो किसान महासभा के बैनर से इन्होंने काम किया। चूंकि चारों मजुमदार नक्सलबाड़ी में रहते थे, ये नक्सलबाड़ी पश्चिम बंगाल का जो सिलीगुड़ी एरिया है, अगर आप सिलीगुड़ी गए हों, दार्जिलिंग गए हों, तो दार्जिलिंग से पहले एक जगह पड़ती है सिलीगुड़ी। इस सिलीगुड़ी में एक छोटा सा गांव है नक्सलबाड़ी। तो ये नक्सलबाड़ी का आंदोलन नक्सलबाड़ी से शुरू हुआ। ये नक्सलबाड़ी से इसलिए शुरू हुआ कि चारों मजुमदार कानू सान्याल वहीं रहते थे, और वहां से उन्होंने किसान महासभा का गठन किया और किसानों के पक्ष में आंदोलन किया, जो इतना पॉपुलर हुआ कि वो पूरे बंगाल में फैल गया। और उसमें चूंकि ये एग्रेसिव थे तो इन्होंने माओवादी आंदोलन ही चलाया, और बाद में चूंकि वो एक पर्टिकुलर एक आंदोलन एक पर्टिकुलर जगह से पर्टिकुलर लोगों के लिए था, किसानों के लिए था, उनकी किसान मतलब कि आदिवासियों के लिए था, तो इसलिए लोगों ने उसको सपोर्ट किया, और वो सपोर्ट बहुत अच्छा उसको रिस्पॉन्स मिला, और वो फिर बढ़ता चला गया, पूरे बंगाल में बढ़ा। और फिर धीरे धीरे वो जो आदिवासी क्षेत्र थे, बाकी जो छत्तीसगढ़ का क्षेत्र था, झारखंड का क्षेत्र था, वो इस तरह से बढ़ता चला गया। तो ये आंदोलन जो पश्चिम बंगाल से चला था, बाद में आपने देखा होगा कि ये नेपाल से लेके और आंध्र प्रदेश तक ये पूरी लाल कॉरिडोर बन गई, रेड कॉरिडोर जिसको बोलते हैं, जिसमें पश्चिम बंगाल, आपका बिहार का कुछ क्षेत्र है, आपका उड़ीसा का क्षेत्र है, आपका झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, आंध्र प्रदेश है, और महाराष्ट्र का इलाका है। कुछ कुछ इलाका इन्होंने आंध्र को भी क्रॉस करने की कोशिश की लेकिन उसे आगे नहीं बढ़ पाए, पर ये पूरा कॉरिडोर उसको कहते हैं। तो ये एक जमाने में 106 जिलों तक पहुंच गया था। पहले 115 जिलों में था, फिर 106 जिलों में हुआ, आज की स्थिति में ये 90 जिलों में फैला हुआ है, क्योंकि कुछ कुछ जिलों से नक्सलवाद को खत्म किया गया है। बल्कि जो पिछले महीने लोकसभा में रिपोर्ट रखी गई थी उसमें तो यहाँ तक कहा गया था कि नक्सल जो जो नक्सल प्रभावित जिले हैं उनकी संख्या 61 रह गई है। तो अगर 61 रह गई है, जैसे कि अभी अब से पहले आपने देखा कि नक्सली घटनाओं में कमी आई है, तो इसका मतलब वो 61 हो सकते हैं, लेकिन वो पूरी तरह से समाप्त नहीं हुए, क्योंकि नक्सली जो
एक अच्छे काम के लिए शुरू हुआ था, वो किसानों के पक्ष में शुरू हुआ था, बाद में धीरे धीरे अभी उसका स्वरूप बदल गया। और वो अब क्या कर रहे हैं कि जो आदिवासी हैं उनको उनको विकास का लाभ नहीं मिलने दे रहे, वो सड़कें नहीं बनने दे रहे हैं, मोबाइल टावर नहीं लगने दे रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर यहाँ डेवलपमेंट हो गया तो जो जिन किसानों को जिन बच्चों को वो नक्सली के रूप में भर्ती कर रहे हैं वो नहीं हो पाएंगे। और उनका जो धंधा चल रहा है असल में अभी नक्सल जो ये नक्सलवादी हैं ये बेसिकली अब धंधा कर रहे हैं, ये उद्योगपतियों को लूट रहे हैं, ये जो कारोबारी हैं बिजनेसमैन हैं मैन हैं उनसे हफ्ता लेते हैं, इनसे पूरी सरकार परेशान है, वहाँ के बिजनेसमैन परेशान है। तो इसलिए ये लोग चाहते हैं कि एक्सटॉर्शन का काम चलता रहे और ये लोगों को जो विकास का लाभ है वो लोगों तक जो आदिवासी लोग हैं जो जंगलों में लोग रहते हैं वहां तक ना न जाने दें। तो इसलिए अभी ये जिलों की संख्या 90 हो गई है और इसमें जो भी इन्होंने जो सरकार ने जो रिपोर्ट पेश की थी संसद में उसमें जो जिलों की संख्या है उस पर एक नजर मार लेते हैं। ये एक राज्यसभा में एक प्रश्न पूछा गया था और उसके जवाब में सरकार ने ये उत्तर दिया है। उसमें कहा गया है कि जो वामपंथी उग्रवाद है LWE प्रभावित जिले हैं उनकी संख्या 90 है और उन संख्या में इन्होंने ये नंबर बताए हुए हैं कि जो राज्य हैं जैसे आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश के 6 जिले हैं, ऐसे बिहार के 16 जिले हैं, छत्तीसगढ़ के 14 जिले हैं, झारखंड के 19 जिले हैं, मध्य प्रदेश के 2 जिले हैं, महाराष्ट्र के 3 जिले हैं, ओडिशा के 15 जिले हैं, तेलंगाना के 8 हैं, उत्तर प्रदेश के 3 हैं, पश्चिम बंगाल का इसमें अब एक है। देखिए जहां पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा इसका प्रभाव था वहां संख्या कम हो गई है, वहां झारग्राम भी एक रह गया है जो अभी जिसका पहले चरण में चुनाव हुआ, अभी विधानसभा में देखा होगा। और केरल में देखिए ये केरल तक पहुंच गया है, केरल के 3 जिले इसमें शामिल है, मलिपुरम, पलक्कड़ और वायनाड। ये वायनाड आपको याद होगा राहुल गांधी का इलाका है। तो कुल 90 इलाके 90 क्षेत्र हैं, जबकि 2014 में ये 106 जिले थे। ये 106 जिलों के आपके सामने सूची है, आंध्र के 6 थे, बिहार में 22 थे, छत्तीसगढ़ में 16, जैसे झारखंड में 21, मध्य प्रदेश में 1। तो इस तरह से ये 106 जिले थे, बाद में इनकी संख्या ऊपर नीचे होती रहती है, जैसे 2009 में ये 83 पे आ गए थे। तो इस तरह से अभी जो लेटेस्ट जानकारी दी है सरकार ने उसमें कहा गया था कि इनकी संख्या 61 रह गई है। अब ये देखिए कि उग्रवादी घटनाओं में कैसे कैसे आम लोग मारे गए हैं। 2016 की घटना देखिए कि जो कुल 233 आम लोग मारे गए थे, सुरक्षा बल 65 मारे गए थे और 222 उग्रवादी मारे गए थे। ये 2016 की घटना है। 2017 में आप देखिए कि आम लोग 128 मारे गए थे, सुरक्षा बल 75 मारे गए थे और वामपंथी उग्रवाद 136 मारे गए थे। और 2018 में आम लोग 173 मारे गए थे और सुरक्षा बल 67 मारे गए थे, और ये जो वामपंथी उग्रवादी हैं ये 225 मारे गए थे। तो देखिए ये आंकड़ा कि किस तरह से लोग मारे जा रहे हैं, आम नागरिक मारा जा रहा है, जो आदिवासी बेसिकली ये आदिवासी लोग हैं ये मारे जा रहे हैं। और हमारे सुरक्षा बल देखिए कि हर साल 65 से लेके 70 तक मारे जा रहे हैं। तो ये एक बहुत ही चिंता की बात है और सरकार ने बाकायदा इसके लिए बहुत बड़ी स्कीम चलाई हुई है, जो ये पैसा लगा रही है वहां पे लेफ्ट विंग जो एक्सट्रीमिस्ट जिले हैं जैसे 90 जिले हैं भी, उन जिलों के विकास के लिए सरकार ने अनेक स्कीमें चलाई, वहां पैसा खर्च कर रहे हैं, वहां टावर लगाने की कोशिश कर रहे हैं, सड़कें बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ये जो नक्सलवादी हैं वो लोगों को मेन मुख्य धारा में नहीं जुड़ रहे हैं। अब हर चुनाव में जब भी देखिए आप झारखंड में छत्तीसगढ़ में चुनाव होते हैं तो उस उन चुनाव में हमेशा ही राजनेता मारे जाते हैं और आम लोग मारे जाते हैं।
तो इस तरह से ये आज नक्सली का जो घटना जो घटना क्रम है उसमें आपने देखा होगा कि किस तरह से ये लोग